गुड इवनिंग। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आग हमारी बहुत तेज चल रही थी, कितनी अच्छी और रियली में बहुत ज्यादा ठंडी हो रही थी, तो हम लोगों ने जला ली है आग यहाँ पर। कैसा लग रहा है आप लोगों को? और देखिए आप लोग भी हाथ पैर ताप लीजिए, और इधर देखिए, इधर से पकड़ती हूँ कैमरा, देखिए देखो यीशु, इसका तो चट-चट होती है, आपको पता ही है। चट-चट नहीं, वो उछल गया, गरम हो रहा। इसका पैंट पहनता है ना ये, तो पैंट ऐसे गरम हो जाता है इसका। ये देखिए कितनी अच्छे से जल रही है, आ हा हा, बहुत ज्यादा ठंडी है ना बेबी, और बेबी ने देखिए कैप उतार दिया, तो कैसी लग रही है देखिए, उसकी हेयर स्टाइल कैसी हुई बेबी, इधर दिखाना, बंदर जैसी, पास से दिखाओ, पास से दिखाती हूँ जरा, हाँ हाँ हाँ, ये देखिए बेबी कितनी अच्छी लग रही है, और ये देखिए गट्टू बैठे हुए हैं, देखो ये क्या, ये कौन बैठी है, अभी कुछ बोली थी, ये क्या बोली थी, और मेरी बहन रिंकू, देखा आप लोगों ने, ये मेरी बहन बेबी, कौन बैठी है, लालो, कौन बैठी है, लालो दिखाओ इसको सही से, ये देखो इनके सबके खुजली होती है, देखो बेबी कैसे खुजा रही है, ये देखो इसे, इसको भी ऐसे ही होता है, इन लोगों को ऐसे, और आग देखिए रियली में बहुत अच्छी जल रही है, और इसमें आज मैं क्या बताऊंगी बनाऊंगी पता है आप लोगों को, नहीं बनाएंगे नहीं। आज रुए बनाऊंगी मैं, रुए, क्या बनाएंगे बेबी, रुए, देखिए बेबी कैसे बनते हैं, क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा रुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैसे बनाते हैं बेबी, गोल करके और चपटे करके, ये देखो भाई बेबी को भी पता है ना, बेबी ने कैसे खाएगी फिर, क्या हम तो भैया क्या बोलते हैं उनको, रुआ फैन है, रुआ फैन ये रुआ फैन है, ये देखो नहीं हम बाफला फैन है, बाफला फैन है, ये रुआ फैन आ गया, ओ तेरी तो देखिए हम आने मार के रुआ के चक्कर में बाफले बोल रहा है, ताकि बाफले भी बन जाए क्या, इसलिए बोल रहा है ये देखिए इसको जो है चीज, ये खाने का बहुत ज्यादा मतलब इसको बहुत ही ज्यादा क्रेज है खाने का, पिज्जा मतलब हर एक चीज, ऐसा नहीं है कि घर में अगर कोई भी चीज बनती है तो ये खाता नहीं है, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ खाता है सब कुछ, करेला अच्छा लगता है, ये देखो करेला भी खाता है, सब कुछ खाता है, मेरे को बताऊं काय की भाजी, हाँ भैया खाता, जो भैया की फेवरेट है, कौन सी भाजी, उसका नाम वो क्यों बताएगा बेबी, बताइए क्यों बेबी, नहीं पता, नहीं पता कैसी होती, कैस कलर की होती, वाइट है कलर। वाइट कलर की, वाइट कलर की कौन सी भाजी होती है, ग्रीन, ग्रीन होती है, अच्छा कैसे खाते हैं फिर उसको, मेथी है पालक बाबू, मेथी है पालक, मेथी पालक, पालक आज बनी थी वो, नहीं पालक आज जो उनकी भाजी बनी थी वो वाली वही तो पालक है ग्रीन वाली अच्छी लगती उसको, तो इन लोगों का क्या है पागल बनाते हैं बेचारी को कभी बोलते हैं कि ग्रीन वाली अच्छी होती है, कभी बोलते हैं दाल वाली अच्छी होती है, जोन सी बनती है वही, दोनों बहन भाई ये मासी और ईसु मिल करके उसको पागल बनाते हैं, बोलते हैं कि ग्रीन अच्छी है, रेड अच्छी है, जे अच्छी है, वो अच्छी है, ऐसे कर करके डेली खाती है, गुड गर्ल है वो, सब बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए है ना, ब्रोकली सूप, और देखो चलो चुप रहो, चलो ठीक है मैं रोकती हूँ अपने वीडियो को, बनाऊंगी यहाँ पर क्या, बाय भी हो गया, तो चलिए तापते हैं हम लोग, रियली में इतने अच्छे से गर्म हो गए ना, पुराने जमाने में जब लोग जो है, मैं देखिए रोकने का बोल रही थी और बात करने लगी, पुराने जमाने में जो हमारे सही में बुजुर्ग लोग थे ना, वो इसीलिए तापते रहते थे ताकि गर्म गर्म हो जाते थे अच्छे से, जब हम मासी के इधर गए थे ना, उधर सारे लोगों के आंगन में ऐसे गड्ढे बने हुए थे गांव में, तो वो उसी में जलाते थे अपनी लकड़ी वगैरह, और इतने मोटे मोटे, बहुत मोटे मोटे पेड़ वगैरह उन्होंने पुराने ज़माने में, मतलब पुराने ज़माने में तो नहीं, दो चार साल पहले काट करके रखे हुए थे,
और फिर उनको जलाते थे, उनको एक बार जला दिया, दिन भर भी उनमें आग लगी रहती थी और शाम को भी वही ऐसे कर लेते थे। मतलब इतनी अच्छी ज़िंदगी है वहाँ की, लेकिन ठंड भी इतनी ज़्यादा है, आप लोगों को पता ही है वहाँ का टेम्परेचर। उस दिन पता है 9 डिग्री तक गया था, जिस दिन हम लोग शादी में गए थे ना, 9 डिग्री तक वहाँ का टेम्परेचर गया था, इतना ज़्यादा ठंडी थी वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे को तो अजीब मन हो रहा था, इसका तो अजीब मन हो रहा था। इसका क्या हो गया था बेबी का, इसको जुखाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा है, निमोनिया हो जाता था इसको, तो इसकी तो नाक बंद हो गई थी, मतलब सांस लेने की कंडीशन में नहीं थी बेबी। और इसकी नानी ने सिकाई वगैरह की अच्छे से और सुला दिया रजाई ओढ़ के अच्छे से। पूरी रात मम्मी ने शादी वगैरह नहीं देखी, इसके पास में ही लेटी रही। तो ऐसे करके ना, मतलब बहुत ही मुश्किल की रात थी भाई वो, और वो एंजॉय करने वाली नाइट भी थी, बट बहुत मुश्किल से निकली थी। तो चलिए, उजाला कम हो गया क्योंकि आग कम हो गई है और धुआं मारने लगी है, अभी रोकती हूँ मैं, है ना। हमारी इधर हल्के हल्के चपटे कर देंगे इनको ऐसे, और ये देखिए ऐसे दोनों हाथों से दबा देते हैं तो ये बन करके हो जाते हैं तैयार, और इसको रख देते हैं आग के ऊपर, और दूसरे लोग ऐसे तोड़ते हैं, और ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे गोल गोल बनाया अच्छे से, और इस तरीके से इसको गोल किया, फिर ऐसे ऐसे किस किस के इधर बनाए जाते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए ये बना दिया गोल गोल, तरीके से रख दिया आग के ऊपर, और वही इनको पलटना भी पड़ता है आग। देखिए पलटना इनको सबसे मुश्किल काम है, सर्दियों का फेवरेट सबका ही है। हाँ। हमारे इधर बैंगन की सब्जी या फिर मटर की सब्जी हो, कोई भी सब्जी हो, जिमीकंद की सब्जी हो, किसी के साथ में भी इसको खा सकते हैं। तो हम लोगों के इधर बनता है, और ये देखिए थोड़ी सी आग और ऐसे फैला लेते हैं, देखिए कंडे की कितनी अच्छे से हो गई है, पूरी को नहीं फैलानी है, जहाँ जहाँ रखना है वहीं वहीं रखती जा रही हूँ, और पलटते जाएंगे तो जल्दी आगी भी हमारी ख़त्म नहीं होगी और रुए भी हमारे सीख जाएंगे। आप लोग भी आ जाइए जल्दी जल्दी, रुए का आनंद लीजिएगा, और मेरे रुए कैसे बने और आप लोग इधर बनाए जाते हैं कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। तो मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे रंग आप लोग देख रहे हैं, ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आ जाइए, रुए बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म बैगन की सब्जी के साथ। चलिए अभी रुकते हैं, सीखने के बाद मिलेंगे कि कैसे सीखेंगे, सीखने की स्टाइल देखिए बताती हूँ आपको, सीख तो रहे हैं बस इसी तरीके से सीखेंगे और क्या। ये देखिए कितने बढ़िया सीख रहे हैं, ये देखिए बस इनको पलटने थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उंगलियां वगैरह जो है ना जलती हैं। ये देखिए मम्मी वगैरह की नहीं जलती हैं, ओ देखिए जल गया। तो इस तरीके से जब सेक करके खाते हैं ना आगे के ऊपर, तो रियली में इनका खाने का मजा ही कुछ और होता है। बस इस तरीके से पलटते जाएंगे और सीख जाएंगे पूरे रुए। तो यहाँ पर देखिए चावल अपना बन करके हो गया है गर्मा गर्म तैयार, और रुआ चावल और टमाटर की चटनी हम लोग बना लेते हैं, और बैगन की सब्जी है, बस सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे खाएंगे गर्मा गर्म। और रिंकू ने इसमें क्या डाल दिया है, वो जो हरी मिर्च, और देखिए मैंने बनाया नहीं है तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि इसमें क्या क्या डाला है, हरी मिर्च डाली है, जीरे से तड़का लगाया है, और इसके बाद में ये देखिए बैगन की सब्जी, बैगन की सब्जी बन गई है। इधर रिंकू बना रही है टमाटर की चटनी, टमाटर हरी मिर्च प्याज धनिया पत्ता तो हम लोग खाते नहीं है, आपको पता ही है, यहाँ पर प्याज कट कर रही है। तो देखिए और दो पराठे भी बना लिए हैं इसने खाने के लिए, सुबह की रोटी रखी हुई थी तो बोले कि मैं दो पराठे बना लेती हूँ, और इनको दिखा रही हूँ तो बोल रही है कि मेरे को दिखाओ मत, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, देख लेंगे, सब लोगों को बताएगी इनको कैसी लगती है। तो ये देखिए यहाँ पर बना रही है चटनी, तो यहाँ पर बन करके हो गई है चटनी तैयार, बस इसको गर्र करना बाकी है, तो गर्र कर लेते हैं इसके बाद खाते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।